बबेरू तहसील पर एक अधिवक्ता की जमीन के विवाद को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा विवादित जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे पुलिस को एसडीएम ने लिखा था, लेकिन पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसे दूसरा पक्ष कब्जा कर रहा है, जिसको लेकर आधा सैकड़ा अधिवक्ताओं ने तहसील पर एसडीएम व पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। बबेरू तहसील जिसमें अधिवक्ता संघ के द्वारा बताया गया कि एडवोकेट रामेंद्र सिंह निवासी कुचेंदू का गांव पर जमीनी विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा विवादित जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसी से परेशान आज सोमवार को अधिवक्ता संघ ने पुलिस प्रशासन तथा एसडीएम के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और अवैध कब्जा रोकने तथा कार्रवाई किए जाने की मांग किया है, जिसमें बार संघ के अध्यक्ष उमाकांत तिवारी सहित लगभग आधा सैकड़ा अधिवक्ता मौजूद रहे। यहाँ तहसील पर आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है संगठन के द्वारा, ये किस प्रकार के प्रदर्शन है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? ये हमारे रावेल सिंह एडवोकेट का व्यक्तिगत मामला है, जमीन संबंधी विवाद है, सिविल जज न्यायालय में जो है बबेरू में मुकदमा विचाराधीन है, वहाँ से जो है सिविल महोदय जी का स्टे है कि वादी के कब्जे पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न किया जाए मुकदमे के निस्तारण तक। इसके बावजूद जो है हम लोगों उन लोगों ने कब्जा करने पर आमादा हैं और हमारे वकील साहब के ऊपर प्राण घातक हमला कर सकते हैं। हमने एसडीएम महोदय को अवगत कराया, एसडीएम महोदय ने कहा कोतवाल साहब को कि आप जाकर के मौके पर इसका निस्तारण कराएं और सिविल जज के न्यायालय का अनुपालन कराएं, लेकिन आज एक हफ्ते से कोई भी अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे हमारा सारा अधिवक्ता आक्रोशित है कोतवाल के खिलाफ और एसडीएम महोदय के खिलाफ। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। क्या है मामला? मामला ये है भाई साहब कि एक मुकदमा यहाँ सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा जो है तो एक आदेश पारित किया गया था दिनांक 18/3, उसमें जो है तो ये हुआ था कि वादी के यानी मेरे कब्जे में प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न न किया जाए, जिसके अनुपालन में मैंने पिछले जो है तो जुलाई महीने में एक प्रार्थना पत्र दिया था एसडीएम महोदय में, तो जिसमें उन्होंने सोचों को आदेशित किया था। उसके बाद 23 तारीख को दिया, 23/11 को, उसमें भी एसओ महोदय को आदेशित किया गया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। कल फोर्स पहुंचा लेकिन वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो वहां पर जो है तो हमको पक्षों को जो है कहे कि आप थाने आइए, उसका अनुपालन आदेश का नहीं कराया जा रहा, बल्कि अनावश्यक हमको उत्पीड़ित किया जा रहा है। हमारे खेत में रात में एक खेत को जोत भी आए हैं उसमें और छीट आए हैं, अवैध कब्जा किया जाए। शुभ नाम बताइए। R9 भारत के लिए बांदा से रिपोर्ट शिवलाल शर्मा की।